तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट IMUCT 2020 एग्जाम डेट्स। दो एग्जाम डेट्स इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक फर्स्ट वन इज एग्जाम डेट, इट विल बी IMUCT 2020 विल बी ऑन 16th August। And if we talk about the registration, when will the registration start? Then let me tell you friends, registration is going to start in this month, and that is on 26th of June. So you will get the description link on 26th. Come in this video, open the description box, you will find the application form link. In case if you want to cross check the dates, then go to www.imu.edu.in। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए क्लिक करिए, फ्रंट में ही रोलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको ये न्यूज़ रिलीज आपको दिख जाएगा। दोस्तों, इस IMUCT में ऐसा खास क्या है, लाइक आपको इतना वक्त दिया जा रहा है। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि आपको 2 महीने के ज़्यादा का टाइम मिल रहा है अभी से, जबकि IMUCT हो जाना चाहिए था। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी IMUCT के साथ। लाइक दिस टाइम इट इज़ पॉसिबल लाइक क्वेश्चन पेपर विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, और जो कट ऑफ है उसमें भी थोड़ा रेस आ सकता है। तो समो अगर क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया, देन इट विल बी अ लिटिल बिट टफ फॉर यू, क्योंकि आप लोग प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर्स आप फॉलो कर रहे हैं, देन यू आर जस्ट फॉलोइंग इट। हो सकता है पैटर्न चेंज आ जाए, तो माइंडसेट अपना क्लियर रखिए। डोंट बी नर्वस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप अपना प्रिपरेशन जो भी है वो आप कंसिस्टेंटली करिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेटिंग योरसेल्फ अ वेरी गुड रैंक। जैसे PCM की अगर हम बात करें, 11-12 में आप PCM डेफिनेटली आप कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स रेफर कर रहे हैं, कितने एग्जाम्स आपने दिए होंगे लाइक इन ट्यूशन्स और इन एग्जाम्स। तो PCM विल बी अ लिटिल बिट क्लियर फॉर यू। बट कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है? कुछ ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों 3 चीज़ों में। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश, सेकंड वन इज़ जनरल नॉलेज, एंड थर्ड वन इज़ एप्टीट्यूड। हो सकता है जनरल नॉलेज ना आए, बट हम लोग ऐसे एजम्पशन लेकर के जीके को साइड में नहीं रख सकते। इनकेस अगर IMUCT में एग्जाम में अगर जीके के क्वेश्चन आ गए, देन यू विल बी डेफिनेटली लूजिंग सम गुड मार्क्स एंड विद सम गुड क्वेश्चन दैट विल लीड यू टू अ लॉस ऑफ अ गुड रैंक। सो आप क्या करिए, हर रोज़ जीके का कुछ पोर्शंस आप कवर कर लीजिए। लाइक हर रोज़ सुबह आप 1.5 से 2 घंटा जीके, इंग्लिश और एप्टीट्यूड को दीजिए। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में हमको पता है लाइक अगर हम 200 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में डिवाइड करें, आपको हार्डली 53 और 54 सेकेंड्स मिलता है। तो अगर आप 15 से 20 सेकेंड में जीके का कोई एक श्योर शॉट आंसर अगर आप चूज कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन में आप वहाँ 30 से 35 सेकेंड्स बचा सकते हैं। वो 30 से 35 सेकेंड्स आप PCM के किसी टफ क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो ऐसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको करना होगा, लाइक कीप योर इंग्लिश टू मच स्ट्रॉन्ग, वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए। इफ़ यू वांट PDF, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यूज द कमेंट सेक्शन फॉर योर डाउट्स ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड ऑल द PDFs और आई विल गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। अगर आप चाहे तो IMUCT टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। IMUCT का जो मैंने वीडियो बनाया है आप उसको देखिए, उसको क्लिक करिए, पूरा प्रोसीड्यूर आप फॉलो करिए। मैं बेसिकली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, और कुछ टाइम पीरियड देता रहता हूँ। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है, लाइक यू वोंट बी गेटिंग बोर्ड इन अटेंडिंग द टेस्ट सीरीज़। बहुत ही अच्छा है, लाइक हर क्वेश्चन में आपको अपना रैंक पता चलता रहेगा। इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है, लाइक IMUCT में बैठ आप अगर पहली बार बैठ रहे हो, देन इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। हो सकता है नर्वसनेस का लेवल ज़्यादा हो या फिर आप थोड़े घबराए हो। सो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन से, आपको IMUCT देने में उतना तकलीफ नहीं होगा। और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आप फेमिलियराइजेशन होगा डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन से। अब मैं क्वेश्चन के आंसर्स भी दे देता हूँ टेस्ट होने के बाद। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, आप ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट दोस्तों। जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो न्यूज़ अपडेट है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने जो भी था मैंने बता दिया, इट डेफिनेटली वर्क्स। ये मेरे केस में भी बहुत वर्क किया था, क्योंकि PCM के क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं। सो इंग्लिश और जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड में भी थोड़ा वक्त लगता है, बट प्लीज़ आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपके पास बहुत ही वक्त है। हो सकता है जो कट ऑफ है वो रेज हो सकता है। मेक अ रूटीन एंड फॉलो दैट। थैंक यू दोस्तों।